नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूँ और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ममता के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक बंद किया गया। चप्पे चप्पे पर कोलकाता में पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। छात्र संगठनों ने मार्च का ऐलान किया है। रेप मर्डर केस के खिलाफ सचिवालय तक मार्च की बात कही गई है। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सचिवालय तक मार्च करने का ऐलान किया है छात्र संगठनों ने। हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर कोलकाता में पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। तो इस बंद के ऐलान के बाद से वहां पर प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया, ट्रैफिक वहां पर बंद कर दिया गया है इस ब्रिज पर। इसके अलावा भी शहर में अलग अलग जगहों से हमें सूचना मिल रही है कि चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। तो लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गुस्सा वहां पर लगातार सड़कों पर लोगों का नजर आ रहा है, डॉक्टर्स का नजर आ रहा है। आज छात्र संगठनों ने इस मार्च का ऐलान किया है। आइए इसी खबर पर कुछ और अपडेट लेते हैं। वरुण जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, तो ये जो मार्च करने वाले थे छात्र, इसी के मद्देनजर हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक बंद और आसपास से जो खबर आ रही है कि पुलिस बंदोबस्त है वहां पर? देखिए, बिल्कुल, छात्र संगठनों द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च है वो कॉल किया गया है। छात्रों को सचिवालय की तरफ जाना है और वहाँ पर सचिवालय का घेराव करके ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। और उसी को लेकर आप देखिए, जो प्रोटेस्टर है वो किसी भी तरीके से सचिवालय तक ना जा सके। सबसे पहले मेरे कैमरा में एक बार दूसरी तरफ दिखाएं कि ये हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज के मैं ठीक नीचे खड़ा हूँ और अब इस हावड़ा ब्रिज के देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर किस तरीके से अखिलेश बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स को तार लगाकर आपस में जोड़ा जा रहा है और उसके साथ ही बड़े बड़े पाइप्स लगाकर जो वेल्डिंग मशीन है, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो वेल्डिंग है वो की जा रही है। यानी कि कुछ इस तरीके के दृश्य आपने किसान आंदोलन के समय देखे थे। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर कंक्रीट लगा दिए गए, वेल्डिंग मशीन से उन बैरिकेड्स को जोड़ा गया। कुछ उसी तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कोलकाता पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और दोनों तरफ का जो ट्रैफिक था सड़क पर वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि जो पुलिस है वो ये बात जानती है कि जब प्रोटेस्टर इस हावड़ा ब्रिज को ही आगे क्रॉस करेंगे तो आगे हावड़ा रेलवे स्टेशन आएगा। मेरे कैमरा में थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाएं आगे, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन से करीब लेफ्ट साइड पर जाकर 2 किलोमीटर पर सचिवालय है। सचिवालय पर नहीं जाने देना चाहती। आप देखिए कैमरे की नज़र से किस तरीके से कोलकाता पुलिस की बड़ी संख्या में जो जवान है वो आपको यहाँ पर दोनों तरफ डिप्लॉय नजर आएंगे। आम जनता है वो सब, क्योंकि ब्रिज पूरी तरीके से बंद है ट्रैफिक के लिए। ये देखिए पैदल पैदल ही अब अपने सामान के साथ अपने काम की जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं है। समस्याएं जरूर लोगों को हो रही है क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद है। देखिए ब्रिज पर आपको कैसे सैकड़ों की संख्या में, अगर लोगों से भी मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ, दादा पैदल पैदल जा रहे हैं, बंद कर दिया ब्रिज। हाँ, ब्रिज बंद कर दिया इसलिए जा रहा है, उधर से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया हमको पता नहीं। इसका कॉल है आपको पता नहीं है? पता नहीं, तो इधर तो नहीं है मोहकरण, नवन्न तो उधर है। ये क्या है? ये तो हावड़ा बीच लेके लोग ऑफिस जा रहा है। ऑफिस जाएगा बड़ा बाजार का लोग नहीं जाएगा, वो तो नवन्न तो उधर है, इधर से कैसे जाए? लेट हो रहे होंगे ऑफिस। ऑफिस तो बहुत लेट हो चुका है। अब सोचिए लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं और ये वही ममता बनर्जी है जो खुद पर सड़क पर संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची, वामपंथी सरकार के खिलाफ किस तरीके से धरना प्रदर्शन करती थी और आज जब छात्र मार्च कर रहे हैं उससे घबरा गई। कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि सीबीआई ने 5 नर्सिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। आरजीकर अस्पताल के 5 नर्सिंग स्टाफ से सीबीआई पूछताछ करेगी, यानी सीबीआई की पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसी खबर पर वरुण कुछ और जानकारी हो तो वो अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचाइए और जरा लोगों से वहां बात जो आप कर रहे थे वो भी करिएगा कि लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जो वहां पर नाकेबंदी कर दी गई है ममता सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल, जांच का दायरा जरूर बढ़ रहा है लेकिन इतने दिनों में सीबीआई ने क्या हासिल किया ये अभी तक साफ नहीं है। करीब 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। जो संदीप घोष है 100 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है, 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है लेकिन गिरफ्तारी देखा जाए तो अभी भी वही है, संजय राय की एक, जो कि कोलकाता पुलिस ने की थी। कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ही पैरेलल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज जरूर जो नर्सिंग स्टाफ से जुड़े 5 लोगों को बुलाया था, आप पैदल जाना पड़ा, रास्ता बंद हो गया है। हाँ। काम पर जा रही है। हाँ। दिक्कत हो रही है, मतलब आपको पहले पता नहीं था कि बंद करना है ब्रिज? नहीं, उतना पता नहीं था।
आप लोग भैया अभी कहाँ जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं सर। हाँ। जाना पड़ेगा, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ। गलत है बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। परेशान है, पब्लिक को परेशान करने का काम है, पब्लिक हरेसमेंट हो रही है पूरी। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि आदमी जा सके पैदल, हर जगह बैरिकेड लगाया तो आदमी कहाँ से जाएगा पैदल? आगे तो वेल्ड कर दिए हैं, अगर थोड़ी देर बाद आएंगे तो पैदल भी नहीं निकल, वो तो निकल नहीं पाएंगे, फोन आ गया ऑफिस से इसलिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम विधाननगर जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे आप, पैदल ही आगे का सारा? नहीं देखते हैं, थोड़ा दूर बाद में रिटर्न घर चल जाएंगे। कितना घंटा लेट हो गए हैं? पहले तो बारिश थी उससे लेट हुए। हाँ, 10:30 बजे जाने का बात है, 12 बज गया, अब देखिए क्या होता है। ऑफिस नहीं जाने से भी पैसा कटेगा ना। ममता दीदी ने पुलिस तो लगा दी लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, पब्लिक तो परेशान है ही, लेकिन ये प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। प्रोटेस्ट भी है बड़ा, क्योंकि एक डॉक्टर के अस्पताल के अंदर रेप और भाई हम लोगों को एक्चुअली में अब क्या बोले, व्यवस्था ठीक तो है नहीं, नहीं उपाय भी क्या, लोग भी देखिए परेशान है वहां मौजूदा सरकार से, कह रहे हैं व्यवस्था ठीक नहीं है। वरुण फिलहाल शुक्रिया आपका, आप ग्राउंड जीरो से ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हावड़ा ब्रिज को ही बंद कर दिया गया है, दरअसल आपको भी पता है वहां पर वो एक मेन रास्ता है जहां से लोग हजारों की संख्या में रोज आते जाते हैं, तो दिक्कतें भी हो रही हैं। कोलकाता में आज के प्रदर्शन को लेकर तनाव की स्थिति है, क्योंकि पुलिस ने छात्रों को मार्च की इजाजत नहीं दी। आपको दिखाते हैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा की एक रिपोर्ट। राजीकर में डॉक्टर की रेप और हत्या के प्रतिरोध में आज कोलकाता की सड़कों पर पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम का संगठन, जो विभिन्न संगठनों से बनकर मिलकर बना है, वो आज प्रदर्शन कर रहा है। दोपहर से ये प्रदर्शन शुरू होना है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। उसके लिए तैनाती कोलकाता पुलिस की तरफ से कई गुना ज्यादा है, करीब 3 लेयर सिक्योरिटी है। मैं इस समय जिस रास्ते पर हूँ, ये रास्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कालीघाट के उनके घर से लेकर नवान्नों तक का रूट है। यहीं से आप नए फ्लाईओवर पर उठकर चले जाएंगे और सीधा नवान्नों पहुंच जाएंगे। नवान्नों यानी कि जो 14 तल का पश्चिम बंगाल सरकार का दफ्तर है, जिसमें 14th फ्लोर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन और उन्हीं के इस्तीफे की मांग करते हुए आज ये प्रदर्शन हो रहा है। अब आपको तैयारियों के बारे में बता देते हैं। कोलकाता पुलिस जहां एक ओर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 3 लेयर सिक्योरिटी में ट्रैफिक बैरिकेडिंग शामिल है। जगह जगह इस तरह से बांस बल्लियां लगाकर रास्ते रोके गए हैं। आज सामान्य लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। ये भी बताया गया है कि जितना संभव हो सके कुछ रूट्स न लिए जाएं। करीब 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, 20 से ज्यादा DCP लेवल के ऑफिसर्स को तैनात किया है। तो वहीं साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। रास्तों पर किस तरह से रोका गया है ट्रैफिक को, आपको वो दिखाते हैं। और किस तरह से ये पूरे रास्ते आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस तरह की बैरिकेडिंग एक नहीं मल्टी लेयर की गई है, करीब 19 जगहों पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। हावड़ा ब्रिज से रास्ता जाता है, सांतरागाछी से रास्ता जाता है, नए ब्रिज से रास्ता जाता है, कोलकाता से जाने वाले रास्ते और हावड़ा ब्रिज से आने वाले रास्ते, लगभग सभी पर इसी तरह की रोक है। जहां एक और बारिश की वजह से कई गुना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, तो वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह की स्थिति बिगड़ी तो एक्शन लेने में कोताही नहीं बरती जाएगी। कोलकाता में प्रदर्शन पर राज्यपाल CV बोस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने देना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का ध्यान रखे जिसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन को मंजूरी दी गई है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्ट अनाउंस्ड बाय द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल टुमारो एंड द रिपोर्टेड सप्रेशन ऑफ द प्रोटेस्ट बाय सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट आई वुड अर्ज अपॉन the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. तो शांति पूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं छात्र, ऐसे में ममता सरकार घबरा क्यों रही है, ये बड़ा सवाल है। अगली खबर, भीषण बारिश ने गुजरात का हाल बेहाल कर दिया। अब जहां भी नजर डालेंगे तस्वीरें आप देखिएगा, पानी ही पानी है, लगातार बारिश हो रही है, शहर शहर सैलाबी मंजर दिख रहा है। भारी बारिश से कुछ डैम भी ओवरफ्लो हो गए, नदियां उफान पर हैं और मुश्किल में है लोगों की जान।
गांधीनगर में डैम के 5 गेट खोलने पड़े हैं, संत सरोवर डैम के गेट भी खोले गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब डैम लबालब हो जाने की वजह से उसके कुछ गेट खोलने पड़े, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में ये जो गेट हैं ये खोलने पड़ते हैं। और जब खोला गया था ये गेट, उस दौरान आप देख सकते हैं पानी का ये तेज जो प्रवाह है वो नजर आया। तो जो तराई वाले इलाकों में लोग रहते हैं, निचले इलाकों में लोग रहते हैं, यहाँ पर नदियों के आसपास, उन्हें ये कहा गया है कि आप सावधान रहें, क्योंकि ये जो डैम खोले गए, इनके गेट खोले गए, इसके बाद वहाँ पर पानी बढ़ सकता है, निचले इलाके डूब भी सकते हैं। लोगों से कहा गया है कि आप अलर्ट रहिए या फिर सुरक्षित ठिकानों की तरफ आप पलायन कर जाएं। गुजरात से आ रही तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, शहर शहर बाढ़ और बारिश का कहर। अब दरकार इस बात की है कि जल्द से जल्द प्रशासन इन लोगों तक मदद पहुंचाए। अब आपको राजकोट की जसदान तहसील में एक किसान को कैसे उसका रेस्क्यू किया गया है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर है, एक किसान फंस गया था, उसकी जान पर बनाई थी, उसके बाद आप देखिए रस्सी की मदद से वहां पर स्थानीय लोगों ने कैसे उसकी जान बचाई है। नीरज है, नीरज है, नीरज है, राजकोट की तस्वीर है, जसदान तहसील। धीमे 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 लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चूंकि ये आपदा काल है, जिस तरीके से लोग खुद त्राहिमाम है, परेशान है, त्रस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते भी नजर आ रहे हैं। ये किसान जो है आप देख पा रहे हैं, इसकी छाती तक पानी वहां पर भर चुका था, वक्त रहते अगर इसकी मदद नहीं की जाती तो जान भी जा सकती थी। तो रस्सी के सहारे पहले व्यक्ति इन तक पहुंचा और उसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचा गया। धीमे 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 और कई ऐसी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। आप देख पाते हैं इन तस्वीरों में लोग जहां तहां फंस जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। हम आपको अपने सहयोगी पराक्रम जडेजा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजकोट की परिस्थिति बहुत गंभीर है, ये मधुपुर चौकड़ी है, वो काम ऐसा है कि वो पानी भी किसी भी तरह के किसी के निकाल करने की कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, निकाल नहीं हो पा रहा है, निकाल नहीं हो पा जो कार बह गई है, कार बह वो बड़े खाड़ा है, वो नीचा है, कोई लेवलिंग नहीं है, कोई बहुत दिक्कत है। क्या परिस्थिति है राजकोट की भैया? वो 72 कलाक के वो बारिश चालू हो गया है, 72 कलाक से इधर इतना पानी है, बहुत पानी, वो पूरा 1.5-2 फीट, 3 फुट जितना है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, यहाँ लोगों को लाखों का नुकसान भी हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ है, यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी भरा है, यहाँ सब गाड़ियाँ डूब रही है, बहुत परेशानी है सब लोगों को यहाँ आने जाने के लिए। कॉर्पोरेशन बहुत काम कम किया है, काफी नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, बहुत गाड़ियाँ डूब गई है, और सोसाइटी में भी पानी घुस सोसाइटी में भी पानी घुस गया है, आजू बाजू के सब सोसाइटी में पानी है। यहाँ पे तो हर साल पानी आ जाता है, क्या हर साल आ जाता है, लेकिन कॉर्पोरेशन का कोई निकाल ही नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे, बोलिए। मेरे को तो बहु नहीं आता हिंदी। अभी राजकोट के जो माधापर जो विस्तार है, वहाँ पे जो ये राजकोट से जुड़ता हुआ जो रास्ता है, राजकोट से मोरबी और राजकोट से जामनगर और द्वारका का जुड़ता हुआ जो रास्ता है, वहाँ पे भारी तादाद में बारिश जो पानी में कई जो कार है वो बह गई है, लोग भी यहाँ से चल नहीं सकते, ये परिस्थिति है राजकोट में। और म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, हर साल यहाँ पे पानी भर जाता है और काफ़ी खड्डे भी हुए हैं, जो काफ़ी भारी बारिश के कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और भारी तादाद में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है, स्कूल कॉलेज बंद है, व्यापार धंधा बंद है, और यहाँ पे जन्माष्टमी का जो मेला है वो भी बंद है भारी बारिश के कारण। पिछले 48 घंटे में अभी राजकोट में 20 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, और राजकोट के आसपास के जो बगल के जो गांव है वहाँ पे भी भारी बारिश के कारण जो खेत खलियान है उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान और थोड़ा फायदा भी हुआ है। कैमरा पर्सन सुभाष सैनी के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, एबीपी न्यूज राजकोट। देखिए, कुदरती आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन जो शहर हैं वहां पर इस तरीके के हालात क्यों बन जाते हैं, ये बड़ा सवाल है।
क्योंकि जल निकासी की समुचित व्यवस्था होती नहीं है, धनाधन विकास किया जाता है, अनियंत्रित विकास, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं हाल के दिनों में तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं बारिश होती नहीं है कि लोग घरों में बंधक बन जाते हैं और हर तरफ सड़क पर पानी का कब्जा हो जाता है। ये मणिनगर की तस्वीर अब आप देखिए, घुटने भर पानी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ये सड़क का हाल आप देख सकते हैं। और ऐसे में कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कहां पर नाले हैं, कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर मेन होल है। ये अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने है, मणिनगर इलाका, लोगों के जो घर है आसपास आप तमाम कोठियां देख रहे हैं उसके अंदर भी पानी घुस चुका है और बारिश की वजह से गुजरात के अलग अलग शहरों में लगभग इसी तरीके के हालात हैं और कई जिलों में बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब आप ये देखिए वडोदरा का ड्रोन वीडियो, यानी आसमान से जो तस्वीरें ली गई हैं, शहर का हाल आप इसमें देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी, ऐसा लग रहा है कि पानी के बीच ये शहर बसा हो। मैदान में देखिए ऐसा लग रहा है जैसे तालाब हो, सड़कें दरिया नजर आ रही हैं, लोगों के घर में पानी घुस चुका है, लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लंबे वक्त तक अगर ये जल भराव यहां पर रहा तो लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा भी हो जाता है। अब हम आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, हमारे एक सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। लोग हैं क्योंकि 400 जितने फ्लैट यहां पर, तो अहमदाबाद की तस्वीर कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल ये वडोदरा की तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। ये देखिए पूरी बस्ती जलमग्न है और अब सूरत में आप देखिए किस तरीके का मंजर नजर आ रहा है, मूसलाधार बारिश और उसके बाद हर तरफ पानी ही पानी, सघन आबादी वाला ये पूरा इलाका जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहां भी आप देख रहे हैं कैसे लोगों के घरों में पानी घुस गया, गाड़ियां डूबी हुई हैं पानी में, ये देखिए कई गाड़ियां जहां तहां पानी में डूब गई हैं, ये लोगों के घर के अंदर का जो सामान था वो आप देख रहे हैं कैसे पानी में बह गया। ग्राउंड फ्लोर पर जिन लोगों के भी घर हैं वहां पर ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बाढ़ और बारिश के दौरान लोगों का सामान खराब हो जाता है। श्रीनंद नगर सोसाइटी में फिलहाल अभी हम खड़े हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ की तस्वीरें, ये सोसाइटी है और ये पूरी सोसाइटी में जल भराव की परिस्थिति है, जिससे जिसके मद्देनज़र आप देख रहे हो कि यहाँ के जो व्हीकल है, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि 400 जितने फ्लैट यहाँ पर है वो सभी के कोई ना कोई व्हीकल, चाहे कार है चाहे बाइक है, वो यहाँ पर वो पार्क करते हैं अपनी सोसाइटी में, जो अभी पानी में डूब चुके हैं और पानी में डूब भी रहे हैं। अहमदाबाद में बीती रात जो बारिश हुई जिसके चलते ये जल भराव की परिस्थिति का यहाँ पे निर्माण हुआ है, हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि जब भी अहमदाबाद में और खासकर वेजलपुर के इलाके में ये जो बारिश होती है तब ये श्रीनंद नगर इलाका, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी सोसाइटी, ये श्रीनंद नगर 1, श्रीनंद नगर 2, श्रीनंद नगर 3 और 4, ये बड़ी सोसाइटी आई है और उसके बाहर पूरा जो रोड है वो श्रीनंद नगर बकेरी सिटी रोड के नाम से जाना जाता है, वो रोड पे भी अभी कई सारा पानी भरा हुआ है। बारिश कम होती जा रही है, बारिश रुक भी रही है, लेकिन ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो नीति है प्री मानसून कामगिरी होनी चाहिए, लगता है कि ये प्री मानसून कामगिरी नहीं की गई है और अगर की गई है तो ठीक तरह से नहीं की रही है। सर आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं तो सर सीकर से आ रहा हूँ अभी। कहाँ से? सीकर। सीकर से आ रहे हैं? हाँ। यहाँ पे रहते हो? नहीं नहीं आज ही आया हूँ पहली बार। अच्छा पहली बार आए हो? हाँ। ये रिपोर्ट आपने देखी और कुल मिलाकर बड़ी बात यह कि तमाम जो अलग अलग शहरों में नगर निगम होते हैं वो इसके लिए साफ तौर पर गुनहगार हैं क्योंकि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है पुणे से, यहां नदी के किनारे से एक युवती का शव बरामद हुआ है, आरोप यह कि हत्या के बाद शरीर के टुकड़े किए गए, उसे नदी में फेंक दिया गया। मुथा नदी के किनारे शव बरामद किया गया है, शव जो बरामद हुआ उसमें हाथ और पैर नहीं है और अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो मृतक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। शरीर के टुकड़े बरामद किए गए हैं। नदी में ऐसा लगता है कि हत्या के बाद उसे फेंका गया और निर्ममता के साथ हत्या की गई होगी। जो हालात हैं उससे ऐसा पहली नजर में लगता है। पुणे में मूथा नदी है, वहीं पर किनारे यह शव बरामद किया गया। सवाल यह कि आखिर किसका शव है, किसकी हत्या की गई, कई सवाल हैं। अभी फिलहाल जांच जारी है। मूथा नदी के किनारे से यह शव बरामद किया गया है और अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक हाथ पैर नहीं थे, यह बताया जाता है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की तफ्तीश अब शुरू कर दी गई है। तो शव के टुकड़े कर नदी में फेंकने का ऐसा लग रहा है, शंका ऐसी जाहिर की जा रही है कि उसे मारा गया, लड़की को उसके शव के टुकड़े कर दिए गए ताकि शिनाख्त ना होने पाए और उसके बाद नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अभी की बड़ी खबर पुणे से आ रही है, नदी किनारे युवती का शव मिला। और मेरे साथ अब मृत्युंजय मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? देखिए, बहुत ही एक जघन्य हत्या का एक मामला सामने आया है। पुणे के खराड़ी का ये मामला है। खराड़ी में मूथा नदी बहती है और इसी मूथा नदी के किनारे एक लाइट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहाँ के कर्मचारी आज सुबह जब अपने कंपनी के बाहर निकले तो उनकी नजर पड़ी कि नदी के किनारे कुछ मानव अंग पड़े हुए हैं, कटे हुए स्थिति में। जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ हाथ और पैर के टुकड़े पड़े हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर ये पूरा मामला संज्ञान में आया कि एक मृत महिला की लाश है जिसके कई शरीर के टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक दिए गए। मूथा नदी बहती है, मूथा नदी के किनारे महिला के कई टुकड़े करके फेंक दिए गए। अंदाज के मुताबिक इस महिला की उम्र 18 से 30 साल के बीच हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिटाने हत्या का मामला जैसे मामला दर्ज लिया है और अब पुलिस सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। आसपास के जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं या फिर कोई सुराग मिल सके कि कोई व्यक्ति रात के समय इस इलाके में आया था, खराड़ी के नदी के किनारे, खराड़ी इलाके में मूथा नदी के किनारे जहाँ कोई गया हो, किसी व्यक्ति ने ऐसे इंसान को देखा हो, तो पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। लेकिन ये लड़की कौन है इसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आसपास के अन्य पुलिस स्टेशन में भी ये पता लगा रही है कि किसी लड़की के मिसिंग कंप्लेन का कोई मामला पिछले 24 से 48 घंटे में आया हो तो उस अनुसार एंगल की जांच की जा सकती है। लेकिन बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तस्वीरों को तो बयां नहीं कर सकते। जो लड़की की शव है उस सर शव का सर धड़ से अलग है, हाथ दाएं और बाएं हाथ के टुकड़े अलग अलग है, पैर को जांघों। ठीक है मृत्युंजय, बीच में आपको रोक रहा हूँ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। निकी घई भी हमारे साथ जुड़ गए। निकी, आपको क्या और पता चल पाया इस मामले में? जी, अगर हम देखें तो पुणे में जो मूथा नदी बहती है उसी के लगद ये बॉडी मिली है, एक लेडीज की, एक महिला की ये धड़ है जो जिसमें शरीर जो हम गर्दन है वो वहाँ से धड़ अलग किया गया है, हाथ पैर भी अलग किए गए हैं। इस तरीके से ये बॉडी मिली है। सुबह जब वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे कुछ काम करने के लिए तब उन्हें ये बॉडी वहाँ पर नजर आई, ये शव वहाँ पर नजर आया। उसके बाद उन्होंने ये पुलिस को कहा है, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, क्राइम ब्रांच की टीम को ये पूरा मामला सौंपा गया है। अगर हम देखें तो महिला इस तरीके से, एक लेडीज जो कि जिनका अगर हम उम्र देखें तो करीबन 18 से 30 साल की ये उम्र का है जो पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, कुछ घातपात का है। जब देखा जाए तो किसी ने मर्डर करके ये लेडीज की जो बॉडी है ये जो ये मूला मूठा नदी है जो बहती है पुणे से उसको उसमें फेंक दी है। अगर हम देखें तो एविडेंस मिटाने की कोशिश किसी से की गई है, किसने ये किया है, और हम देखें तो ये लेडीज इनकी जो पहचान है वो भी अभी तक पता नहीं चली है। मगर हम देखें तो इस तरीके से नदी में जो शहर के बीचों बीच बहती है उसमें ये नदी में ये डेड बॉडी एक लेडीज की यहाँ पर मिली है। पुलिस यहाँ पर जांच के लिए जुटी है। कह रहे हैं दरअसल ऐसा लग रहा है कि जो हालात हैं, जो शव जिस अवस्था में बरामद किया गया कि जो भी हत्यारा होगा उसने पहचान छुपाने के लिहाज से ऐसा किया हो गया होगा और बहुत ही निर्दयता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। धन्यवाद निकी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। यहां रत्नागिरी में नर्सिंग की छात्रा के साथ बलात्कार का केस सामने आया। आरोप लगाने वाली लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। पीड़ित लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। घटना के विरोध में जिला अस्पताल की नर्सों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने अपने घर जाने के लिए ऑटो लिया था। इल्जाम के मुताबिक ऑटो वाले ने पानी पिलाने के बहाने कोई नशीला पदार्थ उसमें मिला दिया।
इसके बाद ही लड़की बेहोश हो गई। ऑटो वाले ने सुनसान जगह पर इसे ले जाकर बलात्कार किया है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो ऑटो भी नजर आ रहा है जिसके अंदर ये लड़की बैठी हुई थी, बेहोशी की हालत में बरामद की गई थी। अभी पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नर्सिंग का कोर्स कर रही थी ये लड़की और ऐसे में आप देख रहे हैं तमाम जो नर्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा इस घटना को लेकर। अब आपको बारिश से बेहाल गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। राजकोट से खबर आ रही है कि बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। राजकोट के राया रोड पर भारी जलभराव है, लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। बिल्कुल लोगों की जो जिंदगी है रुक सी गई है, थम सी गई है, हर तरफ पानी ही पानी। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सड़कों का हाल है क्या है वो तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुजरात के राजकोट में भारी तादाद में बारिश हुई है। पिछले 48 कलाक में 20 इंच से ज्यादा बारिश के कारण अलग अलग जो सोसाइटी है उसमें पानी घुस गया है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के स्थानिक लोग हमारे साथ है और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। भाई क्या परिस्थिति है राजकोट में? राजकोट में पिछले 60 घंटे से लगातार बारिश चालू है और आज सुबह बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से पानी का लेवल एकदम बढ़ गया है। और जो महापालिका की तरफ से प्री मॉनसून एक्टिविटी होनी चाहिए, नाले की सफाई वगैरह, वो प्रॉपर नहीं करते और पानी की समस्या राजकोट के हर विस्तार में है। तो काफी बारिश हुई है तो जो राजकोट का जो जड़ संकट है, जो पानी की समस्या है, वो भी हल होगी, क्या कहेंगे? पानी की समस्या तो सोनी योजना नर्मदा डैम से हल हो ही जाती है, बारिश का इतना अभी डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन पानी का जो मसला है, जो रोड पे और शहरी गली में मकान में घुस जाता है, उसका यहाँ की म्युनिसिपैलिटी को कुछ देखना चाहिए। अभी जो कितनी बारिश हुई है पिछले 48 कलाक में? पिछले 48 कलाक में मेरे हिसाब से 20 इंच जितने बारिश हो गई होगी। कॉलेज बंद है, क्या कहेंगे? अभी तो सब बंद ही है, दुकान भी सब बंद ही है। इवन राजकोट का जो मेला लगता है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन जन्माष्टमी पे होता है, वो भी अभी बंद ही है। राजकोट की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डूबी हुई गाड़ियां, सड़क पर जल भराव, गाड़ियां अपने रूफ तक डूबी हुई यानी छत तक पानी। आप सोच रहे हैं, ये देखिए वाटर लेवल कितना ज्यादा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और ये सड़कों का हाल है, हर तरफ पानी ही पानी, लगातार ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए एक बस जो आ रही है, कैसे इसे पानी से गुजरना पड़ रहा है। और ये कार जो गुजरी वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबती हुई सी दिखी। ये गुजरात के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आज सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। गाड़ियां देखिए कैसे डूब गई हैं, कुछ लोगों की गाड़ियां बीच में खराब भी हो जा रही हैं, लोगों की जान पर बनाती है। एक रिपोर्ट हमने वो भी दिखाई थी कैसे अंडरपास से एक शव बरामद किया गया था, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि क्या पानी में डूबने से उसकी मौत हुई। ये अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजकोट की तस्वीर है। उधर अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की सूचना है। आपको बता दें कि जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोगों को बड़ी बहुत सारी वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये देखिए अहमदाबाद का दृश्य आपके सामने, ग्राउंड फ्लोर पर बने जो घर हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है। किस तरीके से लोग इस पानी के बीच से रास्ता ढूंढ रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके के जब हालात सड़कों पर बन जाते हैं तो वो कई बार जानलेवा भी साबित होता है, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर नाले कहां हैं, कहीं सीवर का कोई मेन होल का ढक्कन खुला ना हो। कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि ऐसे हादसे हो जाते हैं इनकी वजह से। और गुजरात के अलग अलग शहरों की तस्वीर अब आपके सामने है। आप देख रहे हैं अहमदाबाद से लेकर राजकोट हो, केवड़िया हो, वडोदरा हो, सूरत, यहां पर किस तरीके से बारिश के बाद शहरों में जल भराव हुआ। गांधीनगर से लेकर कच्छ और नडियाद में भी लगभग एक सी तस्वीर है।
और इनमें से कई तो वो शहर हैं जो स्मार्ट सिटी कहलाते हैं, लेकिन आप देखिए जल भराव कैसे, समुचित पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है और ये एक बड़ी वजह है कि बारिश होते ही पानी रुक सा जाता है। जब तेज बारिश होती है जाहिर तौर पर सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनेगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो पानी निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त रहते जल निकासी की ना समुचित व्यवस्था की जाती है, ना नदी नालों की सफाई की जाती है कि पानी जल्दी से निकल जाए, और उसके बाद क्या हालात बनते हैं वो तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई। अहमदाबाद का दृश्य आपके सामने है, राजकोट की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी शहरों में देखिए किस तरह से, वडोदरा में भी हालात कैसे हैं वो आपने देखा। वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि यहां पर विश्वामित्री नदी बहती है और वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी का पानी घुस चुका है। विश्वामित्री नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और अब जो सैलाब का रुख है वो शहर की ओर, और ऐसे में शहर का क्या हाल है ये तस्वीर जरा आप देखिए ड्रोन की निगाह से। आसमान से जो तस्वीरें ली गई उसमें आप शहर का हाल देख पा रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों के घर बार, बाजार, दुकान, हर तरफ जलमग्न। आफत की बरसात और पानी पानी गुजरात, आपके सामने ये तस्वीर अभी वडोदरा की है। 20 शहर लोग किस तरीके से फंस जा रहे हैं पानी में, ऐसा लग रहा है मानो वो बाढ़ में फंस गए हो। तो बारिश के बाद किस तरीके के हालात गुजरात में बने हैं वो तस्वीरें सुबह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर जो प्रशासन है और खासतौर पर नगर निगम के लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि शहर से पानी निकल जाए, वो काम क्यों नहीं किया जाता है। करोड़ों रुपए लोग टैक्स के तौर पर देते हैं, पैसे जाते कहां हैं। ये आप देख रहे हैं वडोदरा का हाल, पूरी तरीके से शहर डूबा हुआ सा दिख रहा है। विश्वामित्री नदी उफान पर है और जो नदी का पानी है वो शहर की तरफ आ गया है, लेकिन कुछ जगहों पर, गुजरात के कुछ जगहों से ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि नदी कोई आसपास नहीं है बल्कि बारिश के पानी से लोग त्राहिमाम है। बड़ौदा में कल से लगातार बारिश जारी है और विश्वामित्री जो नदी है उसका जलस्तर 34.25 फीट होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव का जो नजारा है देखने को मिल रहा है। अभी हम अकोटा इलाके में है और यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी पानी लबालब भरा हुआ है। उसके चलते जो यहाँ के स्थानिक रहीस है, आवाजाही करने वाले जो वाहन हैं वो और राहदारी सभी लोग परेशान हैं। जो अपने नौकरी धंधे पे निकले तो है मगर आगे बढ़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ नज़ारा ये जो है ब्रिज का भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी पानी है, तो सामने से जो डांडिया बाजार से अकोटा का ये जो ब्रिज है उसके ऊपर कई जो है आप देख सकते हैं वाहन टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्क है, कई लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो बड़ौदा के अंदर आज भी बारिश लगातार जारी है। कल 12 इंच बारिश हुई थी, आज 2 इंच जैसी बारिश हो गई है और विश्वामित्री नदी है उसका जो जलस्तर है 34.25 पहुंचने की वजह से बड़ौदा शहर के अकोटा, डांडिया बाजार, फतेहगंज, सयाजीगंज सहित अनेक इलाकों के अंदर जल भराव की स्थिति होने की वजह से जो है शहरी जन यहाँ परेशान दिख रहे हैं। कैमरामैन परेश धोड़का के साथ लॉरेंस परमार, एबीपी न्यूज वडोदरा। शहर शहर पानी का कहर और उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको अब दिखाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर अभी बारिश की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो सैलाब का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है और कई शहर भी इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हम आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए सड़कों का हाल, पूरी तरीके से पानी का कब्जा यहां पर, घुटने भर पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ये अहमदाबाद की सड़क का हाल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद इस तरीके से पानी भर चुका है, जल जमाव की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं।
मानसून की मार आप कह सकते हैं, कुछ राज्यों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, लेकिन खास तौर पर जो शहर हैं वहां पर इस तरीके के जब हालात बन जाते हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम आपको दिखाते हैं अपने एक सहयोगी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में बीती रात को जोरदार बारिश हुई, लेकिन सुबह से बारिश रुक गई है। फिर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जय प्रलय जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। यह अहमदाबाद का वेजरपुर इलाके में आया हुआ श्रीनंदनगर बकेरी सिटी रोड है, जो रोड पूरा का पूरा अभी पानी में चला गया है। जहां पर भी आप देखो सिर्फ दिखेगा पानी और पानी, कहीं पर 2 फीट तो कहीं पर 3 फीट से ज़्यादा पानी यहां पर दिख रहा है। बरसों साल पुरानी ये यहां की परिस्थिति है। हर 5 साल में यहां के कॉरपोरेटर बदल जाते हैं, यहां का MLA बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की ये जो समस्या है वो समस्या जो कि त्यों रहने को लगी है। इसका यहाँ पे स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। पिछले 48 कलाक में राजकोट का जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ है। भैया क्या परिस्थिति है राजकोट में, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। राजकोट में बहुत खराब परिस्थिति है। अत्यारे वरसाद एवो छे, कुदरत नो कहर क्यों के मेहरबानी क्यों, पर वरसाद बहुत भारे छे। क्या परिस्थिति है राजकोट में अभी, क्या कहेंगे? राजकोट में जोरदार बारिश है और सब लोग मजे ले रहे हैं पुल पे चढ़ के, और माधवपुर चौकड़ी पे फुल बारिश है। अभी गाड़ियां बंद हो रही है लोगों की और बहुत मजा आ रही है। क्या परिस्थिति है राजकोट में? स्कूल बंद है सब। 4 दिन और बंद हो जाए तो मजा आएगा। अच्छा छुट्टियाँ मिल जाए और। अच्छा छुट्टियाँ चाहिए अभी? हाँ चाहिए। अच्छा बारिश कैसी हुई है? मजा आ रहा है इसमें नहाने में, मजा आ रहा है। यहाँ पे लोग हमारे साथ, बेटा क्या परिस्थिति है राजकोट में, बोलिए। बहुत सारी बारिश हो रही है और देख ही सकते हैं आधे लोग तो ऐसे कार छोड़ के ऐसे ही चले गए। कितनी बारिश हुई है? स्कूल बंद है अभी? हाँ आज के दिन स्कूल बंद है। मैं तो कहती हूँ थर्सडे तक सारी स्कूल बंद ही रख दो। अच्छा हाँ, अन्य जो लोग हमारे साथ है हम उससे बात करेंगे। क्या परिस्थिति है राजकोट की, और पिछले 48 घंटे से यहाँ पे जो जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में पानी घुस गया है, क्या कहेंगे? बहुत बारिश है, बहुत इलाकों में पानी गिर गया है और सारा जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। अच्छा ये निकाल की कोई व्यवस्था नहीं है अभी? नहीं अभी तक निकाल की कोई व्यवस्था नहीं हुई, कल 2 दिन से ऐसा ही है। अच्छा ये कहाँ पे जाता है ये रास्ता और ये रास्ता? ये रास्ता जामनगर की ओर जाता है और ये रास्ता मोरबी की ओर जाता है। सौराष्ट्र में बारिश है? पूरे सौराष्ट्र में फुल बारिश है। मेले की क्या परिस्थिति है? मेला तो अभी डूब गया। बेटा मेले की क्या परिस्थिति? सब कुछ डूब गया, सब कहते रंगीला राजकोट है, राजकोट में मतलब मेला।